आए थे? सर हम आए थे, हमारी रोड है अजोट से ऊपर जबड़ा के लिए, वहाँ एक मिडिल स्कूल भी है, गर्ल मिडिल स्कूल। अब उन मैडमों को भी रास्ते की परेशानी है, और दूसरा ये है कि मैं ऊपर बहुत ज़्यादा महल्ला है, वहाँ में बीमार के लिए परेशानी बढ़ती है, और मैं मतलब ये छोटा डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत परेशानी है। हर जगह में रोड है ही है, अभी से रोड का पैसा भी मंजूर है, ठेकेदार भी एग्री है, लेकिन हमारे वो रोड कहाँ गई है, हमें रोड नहीं दी, इसलिए हम आए थे यहाँ डी सी साहब के पास, एडीएम साहब के पास, तो अब उन्होंने लिखा है कुछ, वो बीच में ये जंगलात वाला वो 100 घर के करीब है घर भी, ये फिर 4 साल से कोई रोड नहीं निकली है, जिसकी परेशानी से हमने बहुत उधर अगर कोई बीमार हो जाता है उसमें वो हमको एक चारपाई पे ठा के फिर नीचे लाने के 1 घंटा लग जाता है, इसलिए हम बहुत कुछ किया और वो हमारी रोड नहीं पाई बन पाई। उसके बाद क्या किया कि हमारी किस्मत ये अच्छी थी, कुछ अर्सा 4-10-15 दिन की पहले बात है, हमारे पास शाना गनई साहब हमारे पास चली गई उधर, उनको हमने ये अपनी रोदात की कि ये बात है, इसलिए MLC साहब ने हमको बोला कि आप क्या करो कि इसकी हम कुछ ना कुछ करेंगे हल, इसलिए हम आज आए थे इधर। तो हम उधर चले गए पहले डी साहब के पास, उन्होंने भी लिखा, फॉरेस्ट वालों के पास भी लिखा और DC साहब के पास भी, और इधर आए थे अभी, और हमने वो क्या किया कि जो भी है हमने आप रोड के लिए सब कुछ जो आज हम नंबरदार साहब की सरपरस्ती में जो है अजोट गाँव का डेपुटेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर से आज मिला। बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ तो लोगों को पहले तो रोड मिलती नहीं है, और जिन लोगों को रोड मिलती है उन पर बड़ा काम पर बड़ा डिले हो जाता है। तो ये रोड अजोट टू सोडा है, बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ लोगों की, दूर दराज का इलाका है, और इसमें चंद दिनों पहले जो है हमारी XMLC डॉक्टर शहनाज गनई मैडम जो वहाँ पर टूर किया था उसमें ये लोग वहाँ उनसे मिले थे और गुजारिश की थी कि पिछले 3-4 साल से जो इनकी रोड का काम बंद है। तो फिर उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम जो है HCN PWD उनसे भी मिले, और हम इम्तियाज़ साहब का भी AEE साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इमीडिएट उन्होंने जो है चिट्ठी जॉइंट वेरीफिकेशन के लिए DC साहब को भी लिखी और ACR साहब को भी, और उसकी कॉपी जो है DFO साहब को भी की। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो आज डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले राहुल यादव साहब से, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें इमीडिएट जो है ACR साहब को हिदायत दी कि भाई ये जॉइंट वेरिफिकेशन की लेटर निकाल के हफ्ते के अंदर अंदर जो है इन लोगों की रोड की जो जॉइंट वेरिफिकेशन की जाए। तो मैं DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ अपने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से जो सोशल फॉरेस्ट्री के हैं और रेवेन्यू ACR साहब से कि मेहरबानी करके हफ्ते के अंदर अंदर जो है जॉइंट वेरिफिकेशन करके ताकि इस रोड का काम पूरा किया जा पूरा करके जो है लोगों को इस रोड का फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि इसके ऑलरेडी जो है रोड के पैसे आ चुके हैं। ये दूर दराज का इलाका है तो सिटी के नज़दीक है, लेकिन जहां तक ये रोड जानी है वहां पानी की अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है पानी की गाड़ी नहीं जा सकती, मेडिकल फैसिलिटी आप देखें वहां से एम्बुलेंस अगर ये रोड होती तो इनके पिछले दिनों कई पेशेंट बीमार हो गए जिनको इनको उठा के यहाँ जो है पूंछ हॉस्पिटल में लाना पड़ा। तो इसी सिलसिले में हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले और हमें उम्मीद है कि चंद दिनों में जो है डिपार्टमेंट ने भी हमें यकीन दानी दिलाई है कि चंद दिनों में जो है रोड का काम शुरू किया जाएगा।